टिकटॉक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक लड़की टिकटॉक पे आती है और टिकटॉक पे इस कदर वायरल होती है जिस कदर आज तक कोई भी टिकटॉक पे वायरल नहीं हो सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नैंसी मोमोलैंड के बारे में। आप तो जान ही गए होंगे नैंसी मोमोलैंड के बारे में। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने दो बायोग्राफी टाइप की वीडियोस बनाई है, आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखना। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है या ऐसा क्या जादू हुआ जो कि टिकटॉक को पूरा हिला कर रख दिया, टिकटॉक की ट्रेंड की वाट लगा कर रख दिया। यानी कि जितने भी वीडियो आप प्ले करोगे टिकटॉक पे, उसमें से 90% वीडियो आपको सिर्फ इन्हीं का मिलेगा। और ये इतनी खूबसूरत है कि हर टिकटॉक के लड़के खास करके इसके ऊपर फिदा हो चुके हैं। हर कोई यही सपना देखता है कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश इसी तरह की मेरी गर्लफ्रेंड होती यार, इससे एक बार मिलने का मौका मिल जाता। मतलब कि इसका पूरा दिल से दीवाना हो चुका है, फैन हो चुका है। तो आखिर क्या है इसके अंदर, क्यों सब इसके गुण गा रहे, क्यों टिकटॉक पे सब इन्हीं का वीडियो अपने आईडी पे अपलोड कर रहे हैं, खुद का वीडियो नहीं डाला या कोई भी ट्रेंड का वीडियो नहीं डाला, जिसको भी देखो बस इन्हीं का वीडियो लिए पड़ा हुआ है, जिसे देखो बस इसी के बारे में बात कर रहा है। यहां तक सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, सोशल मीडिया के और भी जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर भी इसके वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। इवन की व्हाट्सएप के स्टेटस में हर कोई इसी का वीडियो लगा रहा है, फेसबुक की स्टोरी में, इंस्टाग्राम की स्टोरी में, ट्विटर पे हर कोई इसी का वीडियो लगा रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की के अंदर, क्या इससे ज्यादा और कोई खूबसूरत लड़की नहीं है टिकटॉक पे, इससे ज्यादा तो और भी बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर उनका फोटो क्यों नहीं लगा रहा, उनका वीडियो कोई क्यों नहीं लगा रहा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं यहां पे एक बहुत ही बड़ा चमत्कार टाइप का हुआ है। ये जो लड़की है नैंसी मोमोलैंड, इसका खुद का कोई भी अकाउंट टिकटॉक पे नहीं है। ये बात जानकर आप शॉक हो जाओगे। जी हाँ, इसका कोई खुद का अकाउंट टिकटॉक पे नहीं है। जितने भी आपको इसके नाम से टिकटॉक अकाउंट मिलते हैं सभी का सभी फेक है। और फेक अकाउंट की मैं बात करूं तो एक ऐसा कमाल हुआ कि जो भी इसके नाम से फेक अकाउंट बनाया और वीडियो अपलोड किया, हर किसी का अकाउंट वायरल हो चुका है। हर किसी के अकाउंट पे लाखों में फैंस बन चुके हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर। कुछ कुछ अकाउंट को आप देखोगे तो टोटल का टोटल वीडियो इन्हीं का मिलेगा, वो भी सिर्फ 24 घंटे पहले अपलोड किया। और आईडी पे लाखों में फैंस हो चुके हैं, मिलियंस में लाइक्स जा चुके हैं। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि टिकटॉक पे सिर्फ इसी का वीडियो आपको मिलेगा और किसी का वीडियो आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ 1% वीडियो आपको इधर उधर का किसी दूसरे पॉपुलर क्रिएटर का देखने को मिलेगा जिसे आपने फॉलो करके रखा होगा। अगर आपने फॉलो करके नहीं रखा तो मोस्टली वीडियो 99% आपको इन्हीं का वीडियो मिलेगा। तो देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस लड़की का क्यूटनेस और इसकी स्माइल, इसका डांस जो है ना, वो पूरा कातिलाना है। कातिलाना बोले तो बोलता है ना, दिल पे चलाए छुड़िया, ऐसा कुछ है। तो जो भी इसके वीडियो को अपलोड करता था ना, वो वीडियो वायरल हो जाता था। बस लोगों का यहाँ पे माइंड घुमा, क्योंकि टिकटॉक जो है हर किसी के साथ खेल रहा था कुछ दिनों से, किसी का वीडियो वायरल ही नहीं कर रहा था। कितना अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता था, किसी का वीडियो वायरल नहीं होता था। और इस लड़की का वीडियो जैसे ही कोई अपलोड करता था, बस मिलियंस में लाइक्स आने स्टार्ट हो जाते थे, मिलियंस में व्यूज आने स्टार्ट हो जाते थे। बस यहीं पे फंडा है गाइस, हर कोई बस इसी का वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया और हर किसी का वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गया। यानी कि वो बहती गंगा में सब हाथ धोने लगे और सभी इसका वीडियो अपलोड करने लगा। अब कोई बंदा ऐसा था जो कि टिकटॉक से स्विच कर चुका था, टिकटॉक को छोड़ चुका था, क्योंकि उसे ना ही लाइक्स आते थे ना ही व्यूज आते थे। तो अब किसी उसका दोस्त कोई रहता था, वो इसकी वीडियो को अपलोड किया, उसे बहुत सारे लाइक्स मिल गए, मिलियंस में व्यूज मिल गए। तुरंत दोस्त को फोन घुमाया कि भाई क्या कर रहा है, तो सोया हुआ, अबे सोया हुआ है, जल्दी उठ और इस लड़की का वीडियो को अपने आईडी पे अपलोड कर। बस उसका दोस्त फिर से वापस आ गया और वो भी अपलोड कर दिया। इस तरह से भैया तहलका मचा दिया। इसीलिए इसके वीडियो को हर कोई जो है अपने आईडी पे अपलोड करने लगा। मोस्टली 60% लोग जो इसका वीडियो को अपलोड करने लगा अपने टिकटॉक आईडी पे, जिसकी वजह से ये लड़की फेमस होती चली गई और जो इसके वीडियो को अपलोड करता गया वो भी साथ में फेमस होता चला गया। बस यही फंडा है, क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों का आईडी अनफ्रीज हो चुका है। कई लोगों का आईडी जो है, जिसके रोज सिर्फ 1-2-3 ही फैन बढ़ते थे, उसे आज लाखों में फैंस मिल चुके हैं। तो ये कमाल हुई ना, ये कमाल ही तो हुआ है तभी तो। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि लोगों ने इसे वायरल किया और इसके वीडियो ने लोगों को वायरल किया। बस यही फंडा है गाइस। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नैंसी मोमोलैंड का खुद का एक भी अकाउंट नहीं है। अगर आप जो है किसी गलत फैमिली में किसी अकाउंट को फॉलो कर लिए हो ये समझ कर कि इसका ऑफिशियल अकाउंट है, तो आप गलत हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ 3 अकाउंट है पूरे सोशल मीडिया पे, एक ट्विटर पे है, एक इंस्टाग्राम पे है और एक फेसबुक पे पेज है। बाकी इसके कहीं पर भी इसका अकाउंट नहीं है। तो यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने अगर गलत फैमिली में किसी के फेक अकाउंट को लाइक कर लिया या फॉलो कर लिया तो उसे अनलाइक कर दो या अनफॉलो कर दो। नहीं, वो आप
आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे सच्चाई बतानी थी सो मैंने आपको सच्चाई बता दी। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता चलूं गाइस कि अगर आप बहुत दिनों से टिकटॉक पे वर्क कर रहे हो, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपको ना ही लाइक्स आ रहे हैं ना ही फैंस आ रहे हैं, या आपके फैंस थे तो घट रहे हैं, तो आप भी इसके वीडियो को अपलोड करके डाल सकते हो। आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला, क्योंकि इतने आईडी पे इसका वीडियो अपलोड हुआ कि कोई आईडी को कॉपीराइट दे ही नहीं सकता है। सो यही इन्फॉर्मेशन के साथ में आया था। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त आपका टिकटॉक से स्विच कर चुके हैं लाइक्स व्यूज नहीं आने की वजह से, बस फोन उठाओ उसे घुमाओ और कहो कि भैया नैंसी का वीडियो डालो अपने अकाउंट पे, बस उसका भी आईडी जो है अनफ्रीज हो जाएगा, आपको थैंक यू भी बोलेगा। तो मिलते हैं किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और हाँ हंसते मुस्कुराते तो रहोगे यार, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके भी जाना, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह की जितने भी वायरल वीडियो आती है टिकटॉक पे सभी का भेद मैं सबसे पहले खोलता हूँ, सभी की सच्चाई रियलिटी सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ। So, सबसे पहले रियलिटी देखने के लिए किसी भी वायरल वीडियो की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं इस तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।